हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में खास क्या है, क्या सीखने वाले हैं, ये आपको बताता हूं। देखिए यहां पर शीट 1 लिखा हुआ है और अगर इसको आप रीनेम करना चाहते हैं तो यहां पर राइट क्लिक कीजिए और यहां से रीनेम पे चले जाइए और इसको जो मन करे वो नाम आप दे सकते हैं। आप ये कर सकते हैं या एक शॉर्टकट की प्रेस कर सकते हैं। अब वो शॉर्टकट की क्या है आइए आपको बताता हूं। आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है और फिर प्रेस करना है O, फिर प्रेस करना है H और फिर प्रेस करना है आपको R। तो जैसे ही आप ये बटन प्रेस करेंगे तो यहां पे देख सकते हैं शीट पर ये ब्लिंक करने लगा है कर्सर। तो आप यहां से ये नाम हटा दीजिए और यहां पर मैं नाम रख लेता हूं लाइक कंप्यूटर, ये नाम रख दिया हमने कंप्यूटर और एंटर प्रेस कर दिया तो आप देखेंगे कि इसका नाम चेंज हो गया। ठीक है, तो ये शॉर्टकट की है जिसकी मदद से आप शीट का नाम चेंज कर सकते हैं। और वो शॉर्टकट की एक बार और फिर बताता हूं, Alt O फिर H और फिर आपको प्रेस करना है R। तो जैसे ही प्रेस करेंगे तो देखिए ये एडिट हो गया, मतलब कि यहां पे आप चेंज कर सकते हैं। बैक स्पेस की प्रेस कीजिए और फिर इसको बदल देता हूं मैं, यहां पे कर देता हूं मेमोरी। तो ये लिख दिया MEMORY। तो ये देखिए ये नाम रीनेम हो गया। तो ये शॉर्टकट की है, आई होप कि पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।